सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं हूं मिस्टर जमान और आप लोग देख रहे हो जमान ऑफिशियल क्रिएशन। हमेशा की तरह आज भी मैंने एक नया वीडियो के साथ आया हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक CSP के बारे में। जी हाँ बिल्कुल, जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP। अगर आप लेने की सोच रहे हो, अगर आप लेना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। जी बिल्कुल, आजकल आप जहाँ भी निकलेंगे, जिस बाजार में जाएंगे, जिस मार्केट में जाएंगे, जहाँ भी निकलेंगे, आपको CSP सेंटर दिखे ही मिलेगा, देखने को मिलेगा ज़रूर। क्योंकि सारा जो यूनाइटेड बैंक, पंजाब बैंक, SBI, जितना भी बैंक है, यूनियन बैंक, जितना भी बैंक है, सारा का CSP आपको देखने को मिल जाएगा। वो भी चार चार पाँच पाँच मिल जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, तो इसी की वजह से कस्टमर कम हो जाता है। अकाउंट खोलवाने के लिए बहुत सारे बैंक ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसीलिए कस्टमर नहीं आते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा आपको अली गली में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस का जो CSP होता है, ये बिल्कुल नया आया है। जी बिल्कुल, ये नया ही लॉन्च हुआ है, तो इसका कोई ब्रांच अभी तक नहीं है। ठीक है, मैंने खुद लिया है, आज से दो दिन हुआ है मैंने लिया है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लेना चाहते हो या लेने के लिए आप सोच रहे हो कि मुझे पोस्ट पेमेंट बैंक लेना है। जी बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हो कि पोस्ट पेमेंट बैंक आपको लेना है तो आपने सही सोचा है, क्योंकि ये पेमेंट बैंक फिलहाल कहीं भी नहीं है। ठीक है, बहुत कम है, कहीं ज़्यादा एक दो अभी लॉन्च हुआ है, तो बहुत कम है। अगर आप लेंगे तो आपके यहाँ बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे अकाउंट खुलवाने के लिए। साथ ही आपको आधार कार्ड का जो अपडेट है UCL का, वो भी आपको मिल जाएगा। आधार कार्ड के कार्ड का भी आप काम कर सकते हो, बैंक अकाउंट कर सकते हो, ठीक है, इंश्योरेंस कर सकते हो, कंसाइनमेंट बुकिंग कर सकते हो। तो ये सारा बहुत सारे फैसिलिटीज आपको इस पेमेंट बैंक में मिलने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, तो ये पेमेंट बैंक बिल्कुल नया आया है। आप अगर सोच रहे हो तो अच्छे ही सोच है आपको, आप लीजिए। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा सारा की सारा प्रोसेस के, किस कैसे लिया मैंने, कैसे लिया है, इसका प्रोसेस क्या था। तो ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा दूँ कि मैंने किस तरह से लिया और आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। जी आप लोग, ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, ये ऑफलाइन करना पड़ेगा। आपको खुद आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है या हेड ऑफिस है, वहाँ जाके आपको फॉर्म है, एक ऑफलाइन फॉर्म है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद उसको फिल करना है। फिल करने के बाद तो इसका जो प्रोसेस रखा गया है वो ऑनलाइन नहीं है, आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं दिया गया है, ये ऑफलाइन दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको खुद पोस्ट ऑफिस है, आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है या हेड ऑफिस है, वहाँ पर आपको जाना होगा। एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके फिल करके आपको वो सबमिट करना होगा। जी जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको कॉल आएंगे, कॉल आने के बाद आपको वहाँ जाना होगा। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर जमान और आप लोग देख रहे हो जमान ऑफिशियल क्रिएशन। जी हाँ बिल्कुल, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं, जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP। जी हाँ बिल्कुल, अब आप लोग देखे होंगे, आप लोग क्या CSP इतना हो गया कि आपके अली गली, आपके घर के पीछे आगे सब CSP कॉमन। आपका जो सर्विस सेंटर होता है, कॉमन जो बैंक का जो शाखा होता है, वो भरा हुआ है। मतलब कुछ भी बैंक आप ले लो तो सबका CSP यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, आपको सामने मिल जाता है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही बैंक का CSP आपको नहीं मिलेगा, वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का CSP, जो कस्टमर सर्विस पॉइंट। जी हाँ बिल्कुल, सब बैंक, यूनाइटेड बैंक मान लीजिए, स्टेट बैंक मान लीजिए, सब बैंक का CSP आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP है, ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नया आया है। जी हाँ बिल्कुल, ये नया आया है, गवर्नमेंट ने नया ये मंजूरी दी है, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस ही एक ऐसा बैंक है जो अभी भी गवर्नमेंट के अंडर ही है, और ये कभी प्राइवेट में नहीं जाएगा, ये गवर्नमेंट ही रहेगा। जी बिल्कुल, और सारा विश्व में आप कहीं भी जाइए, ये पोस्ट जो पोस्टल का जो सर्विस है, यह सबके जगह जगह में होता ही होता है। जी है, ये सब जगह में होता ही होता है। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, हमारे इंडिया के जो गवर्नमेंट है, वो उसने
CSP के लिए मंजूरी दे दी है, तो इस CSP को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अदर जो बैंक है वो का सारा जो CSP ऑलरेडी है आप लोग देख सकते हो। आप अगर घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये नया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो नया है। अगर आप ये CSP लेते हो तो आपको कस्टमर बहुत ज़्यादा आएंगे और आप बहुत ज़्यादा इनकम भी ले सकते हो। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये नया है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे, उसका प्रोसीड क्या है, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया है और मैंने खुद लिया है। जी हाँ बिल्कुल जी, अच्छे 2 दिन पहले मैंने ये लिया है। तो मैं जो सामना किया, जो फेस किया, जो प्रॉब्लम या को क्या क्या चाहिए, सारा मैं आपको अच्छे बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यदि आप 10K पास है और बेरोजगार है तो हमारा ये वीडियो केवल आपके लिए है। आपको बता दें कि इंडियन पोस्ट पेमेंट CSP के तहत आवेदन करने के लिए आप सभी को आवेदक कम से कम 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप 10th पास होना चाहिए होगा तभी अप्लाई कर सकते हो। आप कम से कम मैट्रिक पास आपको होना होगा। अब आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। जी बिल्कुल, ये पूरा जो तरीका है अप्लाई करने का वो पूरा ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉड होने का कोई आपका कोई डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑफलाइन है। आप खुद जो पोस्ट ऑफिस का जो हेड ब्रांच है वहाँ पर जाकर आप विजिट करके कर सकते हो, ठीक है। और एक बता देता हूँ कि ये बिल्कुल फ्री है। जी हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्री है। उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट आपको नहीं देना है। मैंने खुद अप्लाई किया और मैंने खुद लिया है। जी बिल्कुल, मेरा आईडी सब कुछ आ गया है, मैं खुद लिया है, तो एक भी पेमेंट 1 रुपये भी मैंने नहीं दिया है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट CSP खोलने का सुनहरा मौका। यहाँ पे देखिए, साथ में आधार का काम। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप आधार कार्ड का भी काम कर सकते हो। आधार कार्ड, इंश्योरेंस, अकाउंट ओपनिंग, कंसाइनमेंट बुकिंग, ये सारा काम आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ज एप्लीकेशन एकदम पूरा नील दिया गया है, मतलब आपको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं देना है। अप्लाई 10th आपको पास होना होगा, ठीक है। तो ये है वो ऑफिशियल वेबसाइट। तो पहले मैं आपको ये वीडियो के कुछ आर्टिकल में आपको बता देता हूँ। तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP अप्लाई, आपने इस वीडियो में 10वीं कक्षा के पास युवाओं को स्वागत करना चाहते हैं जो कि इंडियन पोस्ट पेमेंट CSP लेना चाहते हैं, और इसीलिए हम आपको विस्तार से अपने इस वीडियो में इंडियन पोस्ट पेमेंट CSP 2022 के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP अप्लाई 2022 है, तो पूरी आवेदन प्रक्रिया की ऑफलाइन रखा गया है। जी हाँ, जिसकी पूरी जानकारी, पूरी आवेदन प्रक्रिया हम इस वीडियो में देंगे। यहाँ पर देखिए, हाउ कैन अप्लाई इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP, तो कौन से लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, आइए हम आपके बता देते हैं कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP के लिए कौन आवेदन कर सकता है। यहाँ पे देखिए, नंबर 1 पे देखिए, इंडिविजुअल रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई, ठीक है। इंडिविजुअल होना होगा और बैंक का जो रिटायर्ड एम्प्लॉई हो अप्लाई कर सकते हैं। रिटायर्ड टीचर भी कर सकते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई कर सकते हैं, एंड एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पे देखिए, इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिस PCO ऑपरेटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नंबर 3 पे इंडिविजुअल ओनर ऑफ किराना शॉप, किराना स्टोर्स, मेडिकल अफेयर, प्राइस शॉप, etc. यहाँ पे देखिए, एजेंट्स ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखिए, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 नंबर में देखिए, इंडिविजुअल पेट्रोल पंप ओनर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, 6 नंबर पे है इंडिविजुअल ऑपरेटिंग कॉमन सर्विस सेंटर, जो CSC है। अगर आपके पास CSC सेंटर है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। मेरा खुद का CSC है और मैंने अप्लाई किया है, ठीक है। और मैंने मुझे मेरा ये जो सेंटर है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, अप्रूव भी हो गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल रनिंग ब्राउजिंग सेंटर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑथोराइज्ड फंक्शनर्स ऑफ वेल रन सेल्फ ऑफ ग्रुप्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर अदर एंट्रीज थी, ये सारा ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टेप बाई स्टेप कम्प्लीट प्रोसेस ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP अप्लाई, जो पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए जो अप्लाई का प्रोसीड होता है, स्टेप बाई स्टेप यहाँ पे दिया गया है। देखिए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक CSP अप्लाई 2022 है, तो सबसे पहले आप सभी आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाना होगा। जी हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। अब इस पेज पर आपको मैं ये जो फॉर्म है यही फॉर्म, ठीक है, यही फॉर्म। तो मैं यहाँ पे आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक होता है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको जो ऑफलाइन फॉर्म है वो फॉर्म आप कैसे डाउनलोड करते हो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, और उसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है वो ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो, IPP BCR CSP सर्च कर सकते हो। जब आप सर्च कर देंगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो फॉर्म है वो फॉर्म के लिंक पे आप जा सकते हो। यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आएगा, यहाँ पे आप फर्स्ट लिंक पे आप चले जाएंगे।
यहाँ पे चले जाने के बाद यहाँ पे देखिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंटरेस्टेड इंडिविजुअल फॉर एंगेजमेंट एज बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स बेसिस ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फॉर डिलीवरिंग बैंकिंग सर्विस। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इंडिविजुअल रिटायर्ड बैंक जो मैंने आपको बताया है कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारा लोग यहाँ पे CSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, तो उसका जो फॉर्म है यहाँ पे देखिए क्लिक है टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो फॉर्म है यहाँ पे आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना होगा आपको। यहाँ पे देखिए ये फॉर्म जो ये फॉर्म खुल के यहाँ पे सामने आ गया है, आप लोग देख सकते हो ये फॉर्म है, ये फॉर्म यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये फॉर्म है जी बिल्कुल, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, ये फॉर्म आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये फॉर्म आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है, ये फॉर्म डाउनलोड करके आपको प्रिंट कर लेना है। ठीक है, ये प्रिंट कर लेना है और ये हटा देना है इरेज करके। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे नाम डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, जो भी कुछ मांगता है यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप लोगों को एक और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए पासपोर्ट, यहाँ पे जो भी कुछ देना चाहिए। तो और एक बात गाइस, यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया है कि ये लैटिट्यूड और एटीट्यूड का जो होता है लोकेशन, यहाँ पे देखिए लोकेशन आई डी, ये आपको मैंडेटरी दिया गया, स्टार मार्क दिया गया, ये आपको डालना ही होता है। तो ये जो लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो GPS लोकेशन है वो मतलब क्या है, आप ये जो पेमेंट बैंक है वो आप किस जगह में आप देना चाहते हैं, किस जगह में आप बिठाना चाहते हैं, वो जगह का जो लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो GPS लोकेशन का जो आईडी होता है वो यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, तो सिंपली आप गूगल पर जाइएगा, गूगल पर सर्च कीजिएगा फाइंड लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, उसके बाद जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा उस लिंक पर क्लिक करके आपको जिस जगह पर आपका नाम सर्च करना है, कहाँ पे आपको ये शॉप आप पेमेंट बैंक आपको बिठाना है, उस जगह को आपको ड्रैग करके, जब आप ड्रैग करेंगे और ओके करेंगे उसके बाद लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लोकेशन होता है वो आईडी वहाँ पे शो कर लेगा। तो वहाँ पे सिंपली कॉपी करके आप ये दोनों जगह पे बैठा दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, फिर इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको देना ही होता है। ठीक है, तो सारा फॉर्म आपको फिलअप करके, तो फिलअप करने के बाद आप क्या करेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है, और एक बात आपको बता दे, आपको एक गवर्नमेंट जो मतलब रजिस्टर्ड हुआ एक कॉपी चाहिए, मान लो कि उद्यम आधार। ठीक है, उद्यम आधार मतलब आपका जो CSP होता है, आपका अगर CSP है तो CSP, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसका जो लेटर है वो आप लेटर आपको इसके साथ आपको देना होता है। मान लीजिए आपका CSP सेंटर है तो CSP का जो आपका जो मान लीजिए आपका CSC का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको जेरॉक्स के इसके साथ देना होता है। अगर नहीं है तो आप उद्यम से आपका जो शॉप है वो उद्यम आधार में आपको जाके रजिस्ट्रेशन करा के वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आपको लगाना होता है। ठीक है, ये फॉर्म फिलअप करके उसके साथ दे के आपको जो आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होता है उसको जाके आप बोलेंगे कि हेड ऑफिस का है, तो हेड ऑफिस में जाके आपको सबमिट करना है। जी हाँ बिल्कुल, हेड ऑफिस में जाके आपको सबमिट कर देना है। जब आप ये फॉर्म सबमिट कर देंगे तो कुछ दिन बाद आपको फोन आएगा वहां से। जी हाँ, मुझे भी फोन किया गया था, मैंने सबमिट करके आया था, तो कम से कम एक महीना बाद मुझे फोन आया कि आपका ये अप्रूवल हो चुका है और आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स है वो पहले ही, और एक फॉर्म दिया गया था मुझे जो कि NHF जो कि गैजेट ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए था, और मुझे जानने वाला दो आदमी का सिग्नेचर मतलब वोटनेस। तो मैंने वो NHF फॉर्म फिलअप किया, गेजेट ऑफिसर का सिग्नेचर लिया और दोनों विटनेस का सिग्नेचर लेके अपना क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो जेरोस करके मैंने फिर से पोस्ट ऑफिस विजिट किया, मतलब हेड ऑफिस विजिट किया और सबमिट करके जब दिया तब मुझे एक इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के साथ ही मेरा जो पोस्ट पेमेंट बैंक का जो बैंकिंग सर्विस है वो मुझे मिल गया है फाइनली। तो वो आप इसी तरह से अप्लाई कर सकते हो, तो फॉर्म अच्छे से फिलअप करना और आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ, आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ आपको सबमिट कर देना है, तो आपके पास भी फोन आएंगे। जब फोन आएंगे तब आप ऑफिस में जाना है, जाके आपको जो NHR फॉर्म है वो फिलअप करके उसके साथ आपका क्वालिफिकेशन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो जेरॉक्स करके उसके साथ आपको दे देना है। जी बिल्कुल, तो आज के प्रोसेस सिर्फ इतना ही। तो अगर इससे ज़्यादा आप कोई भी जानकारी चाहते हो पेमेंट बैंक के लिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपको सहायता करूँगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नया हो। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।